खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। पिछले 5 सालों में भारत में मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म को लेकर कई सारे आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अभी भी 88% महिलाएं हस्क सैंड, क्लोथ और मिट्टी जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 23% गर्ल्स अभी भी मेंस्ट्रुएशन की वजह से स्कूल्स को छोड़ देती हैं। 23% लड़कियां मेंस्ट्रुअल हाइजीन की स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं की कमी होने के कारण स्कूल को छोड़ देती हैं, और कुछ लड़कियां सैनिटरी पैड्स ना खरीद पाने के कारण से स्कूल को छोड़ देती हैं, तो कुछ पीरियड्स के दर्द को ना सह पाने के कारण स्कूल्स को छोड़ देती हैं। ग्रामीण भारत की बात करें तो आपके लिए आश्चर्य की बात होगी कि सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए उपलब्ध तो हैं, लेकिन महिलाएं उनका इस्तेमाल करना नहीं जानती हैं। आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए उपलब्ध तो है, लेकिन महंगे होने के कारण महिलाएं सैनिटरी पैड्स को खरीद नहीं पाती हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक स्वच्छता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दौरान इसका खास ख्याल भी रखना चाहिए। हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की स्थिति अटकी हुई है। यहाँ महिलाओं को अभी भी स्वच्छता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात आती है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में गुप्त स्थान की कमी होने के कारण महिलाएं तालाबों, कुओं जैसी खुले स्थान में नहाने के लिए मजबूर होती हैं। इस गोपनीयता की कमी के कारण वे कपड़े पहनकर स्नान करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी न केवल एक बाथरूम का निर्माण करने से रुकती है, बल्कि उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अन्य आवश्यकताओं को खरीदने में असमर्थता भी पैदा करती है। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं पीरियड्स के दौरान पैसों की कमी होने के कारण कपड़ा, राख और रेत जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं। अगर बात करें शहरी इलाकों की, तो शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। शहरी इलाकों में महिलाएं कपड़े और मिट्टी जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में गवर्नमेंट द्वारा जागरूकता फैलाई जाती है। शहरी इलाकों में स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और साथ ही स्वच्छता के साथ फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मासिक धर्म को लेकर भारत में कई सारे मिथ्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि अगर किसी महिला की पीरियड स्टेट चल रही है तो वो मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय उसको अशुद्ध और नापाक माना जाता है। ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों में एक मिथ है कि महिलाएं अपनी अवधि के दौरान खाना नहीं पका सकती हैं, क्योंकि उनकी अस्वच्छता भोजन को खराब कर सकती है। इस मिथ को ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अभी भी मानती हैं। यूनिसेफ के अनुसार साउथ अमेरिका में स्थित बोलीविया में पारंपरिक मान्यताओं में युवा महिलाओं और लड़कियों को गलत जानकारी दी जाती है कि अन्य कचरे के साथ उनके मासिक धर्म पैड के निपटान से बीमारी या कैंसर हो सकता है। कईयों को कहा जाता है कि वो अपने पैड को बाकी कूड़ेदानों से दूर रखें, और अक्सर स्कूल जाने के दौरान उन्हें अपने बैग में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया जाता है जब तक कि उन्हें घर नहीं मिल जाता। संगठन ने बोलीविया में 10 स्कूलों की जाँच की और पहचान की कि लड़कियों के सामने आने वाली 2 मुख्य चुनौतियों में शर्म की भावना और निजी बाथरूम तक सीमित पहुंच शामिल है। इस कारण से यूनिसेफ ने उचित मासिक धर्म उत्पादों और स्वच्छता सुविधाओं तक बढ़ती पहुंच की उम्मीद में एक विशाल मासिक धर्म शिक्षा कार्यक्रम लागू किया है। दरअसल ग्रामीण महिलाएं मासिक धर्म स्वच्छता की अवधारणा के बारे में जानती ही नहीं है, और मेंस्ट्रुएशन गंदा होने की वजह से इतना कलंकित है कि महिलाएं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती और बार बार नम कपड़े, राख जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। शिक्षा मानव विकास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन से अनुपस्थित है, जिन परिवारों में फाइनेंस एक मुद्दा है। शिक्षा का अधिकार केवल महिलाओं के लिए तब तक बढ़ाया जाता है जब तक यह मुफ्त है। यही कारण है कि महिलाएं पीरियड्स को लेकर इतने जागरूक नहीं है। मासिक धर्म की स्वच्छता को लेकर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने डॉक्टर्स और एनजीओ से कुछ खास बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखो, आज भी गांव में सैनिटरी के बारे में जानते ही नहीं हैं, और कुछ गरीब फैमिली से होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, और दुकानें भी नहीं हैं उधर लोगों को कि सैनिटरी नैपकिन कोई चीज़ है, उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो आज भी कपड़ा यूज़ करती हैं, और ये भी नहीं है कि कपड़ा गंदा है कैसा है, और वो लगा लेती हैं, उससे इन्फेक्शंस भी होते हैं, धीरे धीरे वो कैंसर तक। नहीं, नापाक तो वो नहीं होती है, पर लोगों की जो बुजुर्गों की जो कुछ सोच है पुरानी, वो आज भी मतलब चल रही है गांव कस्बों में, पर शहर में इस चीज़ को धीरे धीरे आज यहाँ तो ख़त्म हो गया है। गांव में आज भी वो नापाक मानते हैं, पर मैं संस्था के एक ऑनर हूँ और एज ए बींग लेडी के हिसाब से वो नापाक कभी नहीं हो सकती है, और ये सब गलत सोच है। गाँव में अभी भी, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि
मासिक होना एक प्राकृतिक है, चीज़ है, उसके बावजूद भी है हमारे यहाँ गाँव में अभी तक ये बात फैली नहीं है कि उस टाइम में जो है हाइजीनिक प्रोसेस होना चाहिए और पैड्स को यूज़ करना चाहिए। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ हों और वो कुछ अलग तरीके जैसे कपड़े यूज़ करते हैं, तो उससे जो है कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो खासकर जननांग की बीमारियाँ होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो कि धीरे धीरे इन्फेक्शन जो कि पहले तो एक्यूट होता है, धीरे धीरे करते करते अगर वो कंटिन्यू होता रहा तो वो क्रॉनिक भी बन जाता है। क्रॉनिक यानी कि लंबा चलता है, जिसको जिसका इलाज करना भी बहुत असंभव हो जाता है। और उसका कारण एक और है कि उन लड़कियों में बच्चियों में जो है इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस हो जाते हैं अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है कोशिश करें कि पैड्स यूज़ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहना बहुत आसान है क्योंकि गांव में ये सब अभी पैड्स वगैरह की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होंगी। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप कपड़ा यूज़ करती भी हैं तो उससे पहले प्रयोग करने से पहले उसको अच्छे से धोया जाए और उसको धूप में सुखाया जाए और उसके बाद उसको यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए, उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। वो तो हर महिला को ये होता है, एक 12-13 साल के बाद से शुरू होता है। पीरियड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं? ये पता नहीं मेरे। पीरियड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में हम क्या बताएं, पीरियड्स के बारे में इसके लिए जानकारी नहीं है हमें। पीरियड्स के बारे में मैं क्या बोलना चाहूँगा, ये बोलूँगा कि भाई देखो, ये जो है जो भी लेडी जो भी होती है जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उनका क्या है कि हर मंथ आता है, तो उनके लिए क्या है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटी लड़कियां होती है उनकी जो मदर्स होती है उनको सब स्पेशली सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो क्या है कि नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती है घरेलू, तो उनको वो यूज़ ना करके जो भी स्टेशनरी पैड्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि लड़की को भी कम्फर्ट रहता है सब चीज़ में। पीरियड्स के बारे में क्या बताएंगे? पीरियड्स के बारे में नहीं होता हूँ जानकारी। जो हमारा आजकल जो डिजीजेस वगैरह होते हैं वो क्लीनिंग, हमें खुद को अपना सेफ मतलब कि साफ़ रखना, क्योंकि उससे काफ़ी डिजीज वगैरह फैलते हैं, तो उसको हमें अपने सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो आम हर लड़की को होते हैं, हर महिला को होते हैं, इसके बारे में शर्म नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे जेंट्स हो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनके घर में भी बेटी है बहन है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मंदिर में मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं करनी चाहिए। वैसे लोग तो करने नहीं देते मगर करनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ वो गलत चीज़ नहीं है। गलत है नहीं? ये गलत है, पाप है, इसलिए कि ऐसा श्रद्धा तो सबको होती है चाहे गरीब हो या अमीर हो। एक अगर वो इमोशन, वो अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम में है तो वो किस सिचुएशन में नहीं है वो ये नहीं देखेगी, क्योंकि उसको अगर वो किसी इमोशनल मतलब कोई भी अगर उसका पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो कोई किसी को अगर फैमिली में या कोई सपोर्ट नहीं करता वो गॉड के पास ही जाएगा। पीरियड्स में महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए? नहीं, उसमें नहीं जाना, मना करते हैं लोग, क्योंकि शरीर का जो दूषित खून है वो निकलता है, इस समय कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, अपने अपने विचार पर है। ये गंदे चीज़ है ना, ये जो भी ये आ जाता है ना तो लोग पीरियड में पूजा पाठ नहीं करते। ये एक पुरानी प्रथा आ गई है जो जैसे पुराने समय से चल रही है कि चलो भगवान भी ऐसा किए थे, तो इसलिए उस प्रथा को हम लोग मानते आ रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैम एक्चुअली वो चीज़ जो होती है मेरे हिसाब से वो नॉन वेज में चली जाती है। उस टाइम हम बताएंगे उसको कि आप और कुछ देंगे उसको ढकने के लिए? या श्योर, क्यों नहीं, अगर वो अगर हम उसको बताएंगे तो उसको हम वो कुछ सेफ अपना कर सकती है, बिकॉज वो कहीं भी जाएगी तो पब्लिक पब्लिसिटी वो सब उसको इंसल्ट फील होगा। महिलाओं को सबसे पहले बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को समझने की जरूरत है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट इट। इसके साथ ही महिलाओं को अपने सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स की मांग करनी होगी, जिसमें राइट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एसेस टू हेल्थ प्रैक्टिसेस और फ्रीडम शामिल है। सही जानकारी और उत्पादों तक पहुंच काफी हद तक मासिक धर्म की चिंताओं को हल कर सकती है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।